मेरे परिवारजनों, ये त्योहारों का समय है, ये खुशियों का समय है। देश का मेरा हर परिवार इन त्योहारों को अच्छे से अच्छे मना सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने बहुत सारे बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों का लाभ किसानों को होगा, कर्मचारियों को होगा, पेंशन वाले हमारे भाई बहनों को होगा। भारत सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी पर बड़ी वृद्धि की है। मसूर की दाल के एमएसपी में 425 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के लिए 200 रुपये, तो गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल इसकी वृद्धि की गई है। इससे हमारे किसानों के पास अतिरिक्त पैसा आएगा। 2014 में गेहूं का जो एमएसपी 1400 रुपये क्विंटल था, वो अब 2000 के पार हो गया है। मसूर दाल का एमएसपी तो बीते 9 वर्षों में 2 गुने से भी अधिक बढ़ाया गया है। सरसों का एमएसपी भी इस दौरान 2600 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जा चुका है। ये किसानों को लागत का 1.5 गुना से अधिक समर्थन मूल्य देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथियों, केंद्र सरकार यूरिया सहित तमाम दूसरी खादों को कम कीमत पर किसानों तक पहुंचा रही है। यूरिया की जो बोरी दुनिया के अनेक देशों में 3000 रुपये की है, वही बोरी भारत में 300 रुपये से भी कम में दी जा रही है। ये आंकड़ा याद रहेगा आपको? रहेगा? इसका लाभ यूपी के किसानों को, कर्नाटका के किसानों को, देश भर के किसानों को हो रहा है। इस पर भारत पर भी भारत सरकार एक साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। ये सरकार की तिजोरी से 2.5 लाख करोड़ इसलिए जाता है ताकि मेरे किसान को यूरिया महंगा न पड़े। साथियों, फसल कटने के बाद जो अवशेष बचते हैं, धान की पराली हो, ठूंठ हो, वो बर्बाद ना जाए, उसका भी लाभ हमारे किसानों को मिले, इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। इसके लिए पूरे देश में बायोफ्यूल और इथेनॉल यूनिट लगाई जा रही है। 9 वर्ष पहले की तुलना में आज देश में 10 गुना अधिक इथेनॉल उत्पादन हो रहा है। इथेनॉल के इस उत्पादन से अब तक देश में लगभग 65,000 करोड़ रुपये हमारे किसानों की जेब में गए हैं। सिर्फ पिछले 10 महीनों में ही कुल 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान देश के किसानों को हुआ है। और उसमें भी अगर मैं मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र के किसानों की बात करूं, तो यहां इथेनॉल के लिए इस साल के 10 महीनों में ही 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान हुआ है। इथेनॉल का इतना उपयोग जिस प्रकार ट्रांसपोर्ट के लिए बढ़ाया जा रहा है, उससे हमारे मेरठ गाजियाबाद के गन्ना किसानों को विशेष लाभ हो रहा है।
इससे गन्ना किसानों के बकाये की समस्या को कम करने में भी मदद मिली है।